ये अच्छा है नरेन, बस अपनी सुविधा देखते हैं आप। जब खुद का मन किया तो झूठ के रास्ते पर निकल गए, और नहीं तो छल के रास्ते को गलत ठहरा दिया। जिंदगी में कभी ना कभी हर किसी को कुछ फैसले लेने के लिए अपने उसूलों के खिलाफ जाना पड़ता है। कभी कभी सही काम के लिए सिर्फ गलत रास्ता ही एक रास्ता होता है। और जब ईश्वर ने खुद कई बार इस रास्ते को अपनाया है, तो क्या आप ईश्वर से ऊपर हैं? मैंने ऐसे कब कहा? तो फिर बार बार आप अपने उसूलों को अपनी कमजोरी क्यों बना रहे हैं नरे? क्यों कर्म करने से भाग रहे हैं आप? सीमा पर जब जवान दुश्मनों को मार गिराता है, तो क्या वो खूनी कहलाता है? नहीं ना, उस वक्त जवानों की आंखों के सामने सिर्फ अपना देश होता है, और देश की रक्षा करना उनका धर्म। सही गलत की दुविधा हर युग में हर सच्चे इंसान के सामने आई है, लेकिन गीता में कही गई बातों में कोई तो सच्चाई होगी। जो इतने युग बीत गए, लेकिन गीता की सीख आज भी सबके लिए एक मिसाल है। नरेन, आपके माता पिता की गरिमा आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपका नाम खराब होता है तो दाग आपके दादाजी के कुल पर लगता है, और जिसे आप छल कहते हैं उसे कन्हैया ने रणनीति का नाम दिया है। और जो आपका है उसे हासिल करने के लिए अगर कन्हैया के रंग में रंगना भी पड़ता है तो उसमें कोई बुराई नहीं। मुझसे बात न करना आपकी मुश्किल का हल नहीं नरेन। अगर आपको लगता है कि मुझे चाचा चाची को सब कुछ बता देना चाहिए, तो ऐसा ही होगा। मैं चाचा चाची से सब कुछ सच सच कह दूंगी, लेकिन अफसोस तो बस इस बात का रहेगा कि एक माँ बाप को अपने बेटे का सहारा तक नसीब नहीं हुआ। जिंदगी में कभी ना कभी हर किसी को कुछ फैसले लेने के लिए अपने उसूलों के खिलाफ जाना पड़ता है। कभी कभी सही काम के लिए सिर्फ गलत रास्ता ही एक रास्ता होता है। गीता में कही गई बातों में कोई तो सच्चाई होगी। जो इतने युग बीत गए, लेकिन गीता की सीख आज भी सबके लिए। मुझसे बात ना करना आपकी मुश्किल का हल नहीं नरेन, लेकिन अब दोस्त तो बस इस बात का कि एक माँ बाप को अपने बेटे का सहारा तक नसीब नहीं हो। हेलो चाची, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ऑफ कोर्स स्वीट हार्ट, बात क्यों? मैं तो तुमसे फेस टू फेस मिलना चाहती हूँ, लेकिन घर पर नहीं। लास्ट टाइम की तरह किसी खास जगह चले? मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज कर दूंगी। इधर। ठीक है चाची। वो आ रही है। हिसाब बराबर करने का टाइम आ गया। मीटिंग के लिए ये कैसी जगह चुनी है चाची ने? So good to see you, sweetheart. मैंने नए कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स तैयार करवा दिए। चाचा जी, मैं आपको सारी बात बताने ही वाली। बस! किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। चल स्वीट्स। और क्या लगा था पूजा को कि हम सबको आपस में भिड़ाकर हम सबको बेवकूफ बना लेगी? इसीलिए मो इसीलिए किसी राहुल व्यास नाम के बहुत ही पहुंचे हुए पुरुष ने कहा
कि हर इंसान को वही काम करना चाहिए जो उसे आता है। पूजा भा, आप तो ठहरी मिडिल क्लास संस्कारों से लदी सीधी सादी बहू, और हम बदतमीज, धोखेबाज, बेशरम, और वो क्या कहा था आपने, बेगैरत टाइप के इंसान। तो फिर आप हमारे नक्शे कदम पर कहां चलने लग गई पूजा मैडम? और जब आपने इतना बड़ा गेम खेल ही लिया है तो खिलाड़ी तो हम भी कम नहीं। चल आपको छल की थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए ये जो इंजेक्शन डॉक्टर साहब तैयार कर रहे हैं वो राहुल बाबू, ये आप क्या करने वाले हैं? खबरदार अगर हरीश अंकल को आपने तकलीफ देने की कोशिश की तो इतनी पतली कलाई है, खाती पीती नहीं क्या? अरे टूट गई तो अपने पैरालाइज ससुर जी की सेवा कैसे करेंगी? Yes, sweetheart. ये इंजेक्शन जीजू को लाइफ लॉन्ग के लिए पैरालाइज कर देगा। एक्चुअली हमारे पास तो ऑप्शन उन्होंने मार डालने का भी था, बट हम इतने बुरे इंसान भी नहीं है। चाचा जी प्लीज राहुल बाबू को रोक लीजिए। हरीश अंकल आपके ही तो भाई हैं, इतना बुरा कैसे कर सकता आप उनके साथ? प्लीज चाचा जी। चाचा जी। अरे भाभी जी, आप पहले ही रोने लग गए, पहले पूरा तमाशा तो देख लीजिए। राहुल बाबू प्लीज डॉक्टर साहब को रोक दीजिए। क्या भाभी जी, नेटवर्क चले गए। लगता है आपकी ईश्वर को भी इतना खौफनाक सीन आपको दिखाना नहीं। राहुल बाबू आप हमारी लड़ाई में अंकल और माँ को क्यों घसीट रहे हैं? प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब को रोक दीजिए प्लीज। स्वीटहार्ट, आखिर हो तो तुम लोग एक फैमिली, ये बात तुम्हें नहीं कही थी राइट? आप जैसा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। तो फिर 100 करोड़ हमारे नाम कर दीजिए ना, इट्स दैट सिंपल। यस पूजा, 100 करोड़ हमारे नाम कर दो और फिर अपने ससुर जी को वो क्या कहते, जीवन दान दिलवा। इन पेपर्स पे नरेंद्र बाबू के दस्तखत भी जरूरत होंगे, सिर्फ मेरे दस्तखत से कुछ नहीं हो पाएगा। फाइन, तो अपने पति परमेश्वर को कॉल कर यहाँ बुलाइए, मैं डॉक्टर को 10 मिनट तक रोक लेता हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नरेंद्र बाबू बस आ ही रहे हैं। वेरी गुड भाभी जी, चलिए तब तक एक छोटा सा गेम खेलें। क्या भाभी जी, कितने से मैं घबरा गई, अभी तो गेम का फाइनल्स बाकी है।
सो पूजा, कहाँ हैं तुम्हारे नरेंद्र बाबू? या फिर ये भी तुम्हारी कोई होशियारी? नहीं चाची, छल का खेल आपको ही मुबारक। भाई भाई रिलैक्स, भाभी जी से मिलने की इतनी जल्दी, इतना प्यार, वो क्या है भाई, इस बार आप बहुत बुरे फंसे। एक तरफ आपके पप्पा की हालत खराब और दूसरी तरफ आपकी बीवी के सर पर ये मुसीबत। बस एक साइन धर्मात्मा जी, अभी 100 करोड़ हमारे हाथ में आए नहीं और भाई साहब के हाथ पैर खुलने लग गए। मैंने इन पेपर्स पे साइन कर दी। एक बार पूजा इन पेपर्स पे साइन कर दे तो फिर सारे पैसे आपके, फिर तुम तुम्हारे रास्ते और हम हमारे। लीजिए बाबू जी, एक बार पढ़ तो लो। क्या है? अब आप पर इतना तो भरोसा कर ही सकते। जब हमने आपका फार्म हाउस जलाया, आपको झूठे ड्रग केस में जेल में अंदर करा दिया। तब आप कुछ नहीं कर पाए तो अभी तो क्या ही कर ले। अरे तकलीफ के लिए माफी चाहूंगा नरेंद्र बाबू। नहीं नहीं, आप जा सकते हो, आपका पप्पा भी सेफ है। थैंक यू राहुल, थैंक यू चाची, आपके अपनेपन के लिए।
ये दिन हम सबको हमेशा याद रहे। ऑफ कोर्स। मैं हार गई नरेन, पापा जी की अमानत को गलत हाथों में जाने से नहीं रोक पाई, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन शायद मैं। तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं पूजा। पूजा, तुम जैसा चाहती थी सब वैसे का वैसा ही है। दादाजी के ट्रस्ट के पैसे अभी भी सेफ है। आखिर तुमने फिर से अपनी मर्जी मनवाई नहीं। मुझे भी कन्हैया के रंग में रंग ही दिए। मनाने दो सबको खुशी, वो नहीं जानते उनकी खुशियां ज्यादा दिन तक टिकने नहीं वाली। आखिर 100 करोड़ का खजाना हमारे हाथ लग ही गया। मुझे लगा नहीं था कि नरेन इतनी आसानी से पेपर्स पर साइन कर देगा। हाँ, लगा तो मुझे भी नहीं। राहुल, एक सेकेंड ये क्लॉज देखो। पूजा मैडम, ये तुमने सही नहीं। गलत को सही करने के लिए मैंने उन पेपर्स पे एक क्लॉज ऐड कर दिया था। राहुल को पैसे तो मिल सकते, लेकिन 99 सालों के बाद। और तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, राहुल माँ पापा को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। गुरु जी ने उसका उपाय भी निकाल लिया। डॉक्टर हो तुम, जीवन दान देने का वरदान मिला है तुम्हें, और तुम उस वरदान का गलत फायदा उठा रहे। घृणा होती है मुझे तुम जैसे लोगों से। आज के बाद इस घर में तुम्हारा साया भी नहीं पड़ना चाहिए। मतलब ये सारा खेल आपने रचा? अंधेरे के बिना उजाले की कदर समझ नहीं आती। झूठ है तभी तो सच्चाई की इतनी अहमियत होती है। छल तो हमेशा से इस दुनिया का हिस्सा रहा और हमेशा रहेगा, इसलिए शायद हर युग में ईश्वर खुद अलग अलग रूप में जन्म लेते आए। मैंने किसी बहुत अलग से इंसान से सुना था कि हम दुनिया की सच्चाई से भाग तो नहीं सकते, और सिर्फ हमारी सोचने से दुनिया में सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर ठीक करना है तो हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे दुनिया में फर्क पड़े। पढ़ा और सुना तो मैंने कई बार बहुत कुछ था पूछा, लेकिन तुमने उन शब्दों को सही मायने दी। तुमने सही कहा, सिर्फ सिद्धांतों के दम पे हर लड़ाई जीती नहीं जा सकती, और सच की लड़ाई के लिए झूठ किसी पुण्य से कम नहीं। और सच कहूं मेरे लाइफ में ईश्वर बनकर नहीं। और ईश्वर के सामने सर को झुकता ही सामने सर को झुकता ही सामने सर को झुकता ही सामने सर को झुकता ही
रब तुझमें।